who want me to conclude. I have not told anybody to stay here. Please don't talk like a stupid, sir. Please. You neither know Gandhi, nor good. Gaurav ji. नॉर गॉड्स प्लीज। लेकिन आपने भी क्वेश्चन ठीक नहीं पूछा, आपने भी क्वेश्चन अच्छा नहीं पूछा गौरव जी, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। अभी क्या बोला शब्द बताओ आप, तो आप भाषण से पूछे क्या बोला, आप भाषण से पूछे, आप बताइए ना क्या बोला, स्टूपिड बोला, आप भाषण से पूछे, आप बताइए ना क्या बोला ऐसा सर, ये आप इनसे पूछे और आप रिकॉर्ड देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा गया तो उसी अनपार्लियामेंट्री शब्द को मैं दोहरा के इस सदन को और आपकी गरिमा को मैं धूम में नहीं करना चाहता। लोकसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन बजट पर चर्चा के दौरान बड़ा बवाल हो गया। आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। हुआ यूं कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय बजट भाषण पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष की ओर से भी लगातार टोका टोकी चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कुछ ऐसा कह दिया कि अभिजीत गंगोपाध्याय बिदक गए। गौरव गोगोई को कह दिया स्टूपिड जैसी बातें मत किया करो, जिसके बाद विपक्ष के सांसद भड़क गए और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। Who want me to conclude? I have not told anybody to stay here. Please don't talk like a stupid, sir. Please. You neither know Gandhi, nor good. Gaurav ji. Nor God. Please. Let us see the procedure. Okay. Please, 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 sit down. Then to open it and be thought a fool. Gaurav ji, please sit down. We'll see. We'll see the word. विपक्षी सांसदों का हंगामा इतना बढ़ गया कि चेयर पर बैठे दिलीप सैंकिया भी इसे संभाल नहीं पा रहे थे। इसके बाद खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन में आना पड़ा और आने के बाद उन्होंने सबको शांत होने के लिए कहा और गौरव गोगोई से जानना चाहा था कि हुआ क्या है। क्या बोला शब्द बताओ आप, तो आप भाषण से पूछे क्या बोला, आप भाषण से पूछे, आप बताइए ना क्या बोला, स्टूपिड बोला, आप भाषण से पूछे, आप बताइए ना क्या बोला ऐसा सर, ये आप इनसे पूछे और आप रिकॉर्ड देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा गया तो उसी अनपार्लियामेंट्री शब्द को मैं दोहरा के इस सदन को और आपकी गरिमा को मैं धूम में नहीं करना चाहता। और जो अनपार्लियामेंट्री शब्द है उसके तो लिए नए सांसद, प्रथम बार चुने हुए सांसद खेद भी प्रकट करना चाहिए। और आप अगर मार्शल ने आपको अगर दिखा दिया है वो शब्द क्या है, तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी खेद प्रकट होना था। मैं बहुत, मुझे इनसे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर मैं अर्जुन मेघवाल जी से, मैं मेघवाल जी से उम्मीद करता कि एक सदन के एक वरिष्ठ सांसद होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते, अगर उनके सांसद से गलती हुई तो खेद आपको मंत्री महोदय से मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। उनसे तो मैं करता नहीं हूं, आप बड़े हैं, आप सभापति पद पे आए हैं, जो खेद प्रकट करना। ओके, मैं देखता हूं, एक मिनट। बता दें अभिजीत गंगोपाध्याय के भाषण के दौरान गौरव गोगोई ने उनके हाल में दिए गए एक कथन का जिक्र किया था। बता दें अभिजीत गंगोपाध्याय पूर्व में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बयान देते हुए कहा था, कानूनी पेशे से होने की वजह से मेरे लिए कहानी के दूसरे पक्ष को समझना जरूरी है। मुझे गोडसे को पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि उन्हें महात्मा गांधी की हत्या क्यों करनी पड़ी। तब तक मैं गांधी और गोडसे में से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकता। बता दें अभिजीत गंगोपाध्याय के इस बयान पर तब भी काफी बवाल मचा था। Please.